गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है बच्चों? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सब लोग लिटरेचर की बुक निकाल लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लिटरेचर की बुक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक हो गया था लिटरेचर में मैम? बुंदेलखंड तक, थर्ड चैप्टर। बुंदेलखंड का क्या क्वेश्चन आंसर हो गया था? देखकर बताओ। नो मैम। अच्छा, हार्ड हार्ड वर्ड में एक सेंटेंस, वर्ड मीनिंग। यस मैम, बस क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ था। चलो ठीक है, तो आ जाइए चैप्टर नंबर 3 बुंदेलखंड की एक्सरसाइज पर। मैम आपने एक्सरसाइज नहीं करवाई है मैम, और क्वेश्चन आंसर करवा चुकी है। क्वेश्चन आंसर नहीं कराया ना? नहीं मैम, हार्ड वर्क और वो भी नहीं करवाई। करवाई होती मैम सिर्फ टिक लगा रहे। वर्ड मीनिंग तो कराए हैं, मेक सेंटेंस भी कराए हैं। नो मैम, नहीं करवाई है। नहीं करवाई। यस मैम, कराया है कि नहीं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बताओ साक्षी। मैम पीछे चला गया। नहीं कराया है मैम? कराए है। दिखाओ कॉपी, दिखाओ मैम। हाँ मैम, क्वेश्चन आंसर सेकंड तक पूरा 5 तक करवाई थी। क्वेश्चन आंसर 2 था, उसको 2 मैम 6 और 7 उसको करवा दीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज करवाइए। मेक सेंटेंस दिखाओ साक्षी। चैप्टर 3 का मेक सेंटेंस कराया है ना? यस मैम। चैप्टर 3 है ना? यस मैम। इन लोग का आगे से हुआ, हम लोग का नहीं हुआ मैम। ये लोग आगे से करी थी मैम, पहले क्लास का, जो पहले शुरू में क्लास में। तो पहले क्लास में जो हुआ है ना, उसको जाके यूट्यूब पर देख लो। जिसका नहीं मैम, हुआ है आप नहीं करवाई है उसका मैम, पता नहीं यूट्यूब से देख के वो की होगी मैम। नहीं करवाई है आप ना? कुछ नहीं आगे पूरा कर। हमने ही तो कराया है ना क्लास में? यस मैम। जब साक्षी कह रही कि कराया है, देखो साक्षी, रीजन, वॉरियर, ये सारे वर्ड्स हैं। यस मैम। एक बार रुको, हम चेक करते हैं।
वर्ड मीनिंग तो कराई है, वर्ड मीनिंग तो नहीं करवाई, क्वेश्चन मैं करते तो क्वेश्चन आंसर नहीं करवाई है। सेकंड का मैम मैं एक सेकंड नहीं करवाई है और क्वेश्चन आंसर भी नहीं करवाई है। चलो ठीक है निकालो। मैम फाइव बताई थी हम लोग को बुक में टिक करने के लिए और बाकी दो नहीं बताई थी। ये जो वर्ड मीनिंग है इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये जो वर्ड मीनिंग है चैप्टर नंबर 3 की। हाँ ये वर्ड मीनिंग लिख लेना है सबको। आ जाओ मैम क्वेश्चन आंसर करवाई है मैम, सी फाइव तक करवाई मैम, दो नहीं करवाई है। बोर्ड पर तो नहीं कराए ना एक भी। यस मैम सेकंड चैप्टर आपने एक्सरसाइज नहीं करवाया है। करवा चुकी है सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज। आप लोग कुछ खुद से भी करोगे कि सब मैम ही कराएंगे? हटेगा अपने पास कुछ ध्यान नहीं। सभी बच्चे स्टार्ट करो राइटिंग।
मैम थोड़ा सा मैम थोड़ा ये जो इधर किनारे थोड़ा कर दीजिए मैम, दिखाई नहीं दे रहा किनारे पे। कौन सी लाइन मैम? ये फोर्थ और फिफ्थ लाइन। यही वाला? यस मैम। मैम फिफ्थ वाला भी लिखो ना। ये वाला यहाँ लिख दे। मैम हाँ ये लिख दीजिए। लिखा तो इसके बाद जो है वो यहाँ है, ये इसके बाद वाला यहाँ है। मैम ये फोर्थ लाइन में लास्ट लाइन है वो बता दीजिए। हाँ। फोर्थ वाला है ये
क्या पूछ रही है ये वाला? नहीं, फ्रॉम द के बाद है। F I N E S हो गया, सबका हो गया। नो मैम, मेरा नहीं हो। यस मैम, मेरा भी हो गया। सबका सबका हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। मैम मेरा भी हो गया। मैम एक सेकंड रुक जाइए। मैम हाँ मैम, आपने बुक में क्वेश्चन आंसर 5 तक करवाया, बाकी दो नहीं करवाई थी मैम, वो दो करवा दीजिए। बाकी तो आपने अच्छे से बताया भी था, करवाया था। ठीक है मैम, उसे बहुत लंबा लंबा आंसर करवाएंगी तो मैम बहुत लेट हो जाएगी, क्लास भी खत्म हो जाएगी। वेरी थॉटफुल ऑफ यू अंजलि नंदिनी। चलो ठीक है, जैसा कह रही हो सही कह रही हूँ। लिखिए मत करिएगा, आप YouTube से जाकर देखो, जो चीज नहीं कर पा रहे हो YouTube पर देख लो। हटेगा रिलीजियस का मतलब होता है कनेक्टेड विथ रिलीजन, धर्म से जुड़ा हुआ। धर्म की कोई बात होगी, भगवान की या धर्म की कोई बात होगी, उसका मतलब है रिलीजियस। नेक्स्ट वर्ड इज कमर्शियल, कनेक्टेड विद बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें बिजनेस की बात होती है, कुछ खरीदने या बेचने की बात होती है, तो वो है कमर्शियल। नेक्स्ट वर्ड इज इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मतलब कनेक्टेड विद इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जानते हो आप लोग, फैक्ट्रीज को कहते हैं, जहाँ पर चीजें जो बनती है ना, लोग काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में वो। नेक्स्ट वर्ड लिखो एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब है अ पर्सन इन योर फैमिली हु लिव्ड
अ लॉन्ग टाइम बिफोर यू, मतलब आपके जन्म से बहुत पहले आपकी फैमिली में जो इंसान रहते थे वो आपके एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज। नेक्स्ट हार्ड वर्ड है आपका reached। reached का मतलब है यहाँ पर पहुंचना, to arrive at a place or condition that you have been going towards। ठीक है, तो जैसा कि नंदिनी ने बताया है हम लोगों ने 5 तक कर लिया है, 6 वाला करना है, है ना नंदिनी? यस मैम। चलो मैम हो गया। हाँ, और जिसने 5 तक क्वेश्चन आंसर नहीं किया है वो यूट्यूब पर जाएगा, लास्ट की 2-3 जो वीडियो है उसको देखेगा, वहां पर हमने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को टिक कराया है। सो 6 वाले में आ जाओ, हु वाज छत्रसाल, इसका आंसर देखिए पेज नंबर 17 पर। क्या मैम? पेज नंबर 17 पर आ जाओ। मैम बोलिए। पेज नंबर 17 पर देखो, जो पहला पैराग्राफ है उसके नीचे वाली लाइन ये है ना, फर्स्ट पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है। यस मैम। जहां से देखो लिखा हुआ है पन्ना वॉज द कैपिटल ऑफ छत्रसाल, दिख रहा है? यस मैम। पन्ना वॉज द कैपिटल ऑफ छत्रसाल, ये वाली लाइन जो है यहाँ से ऊपर जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये मिला सबको? यस मैम। चलो तो इसको यहाँ से यहाँ तक लगाओ, मुगल रूलर्स, चार लाइन में जो चौथी लाइन देखो लिखा है रूलर्स। यस मैम। यस मैम। वहीं तक लगा लो क्वेश्चन नंबर 6। कहाँ तक? मुगल रूलर्स, अदर मुगल रूलर्स, अदर चौथी लाइन में लिखा हुआ है, देखो। यस मैम। मिल गया सबको? मिल गया? यस मैम। मैम कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं मिल रहा, दिक्कत हो रही है, पूछ लीजिए। नो मैम। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, सॉरी 7 पर। 7 देखो लिखा है, हाउ कैन यू नो अबाउट द वेपन्स एंड ड्रेसेस यूज्ड इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। 17 और 18 सेंचुरी में जो वेपन्स होते थे, वेपन मतलब हथियार होते थे, और जो ड्रेसेस होती थी, कपड़े होते थे, उनके बारे में आपको कैसे पता चला? तो पेज नंबर 17 पर जहाँ पर दुबेला लिखा है, दुबेला दिख रहा है मैम? कहाँ पे?
ये यहाँ पर, ये पेज नंबर 17। मैम कौन सा लाइन पर? इसमें आ जाइए, लाइन है आपकी सेकंड, नहीं नहीं सेवेंथ लाइन, सेवेंथ लाइन पे आओ। यस मैम। यस मैम। यू कैन नो, मिला द टाइम? यस मैम। यस मैम। यस मैम मिल गया। यस मैम मिल गया। तो पूरा यहाँ तक, टू हाउसिंग ओल्ड आर्टिफैक्ट। मैम कहाँ तक फिर से? मैम मिल गया मुझको। मैम कहाँ तक? मैम मुझे भी मिल गया। मैम फोर लाइन में है ना? सेवन से शुरू है, यहाँ पे खत्म है। सबको मिला ना? यस मैम। यस मैम। अब आ जाइए आप लोग ट्रू या फॉल्स पर। मैम ये कौन सा आंसर का था? सेवेंथ का था, और किसका? बुंदेलखंड इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ वॉरियर्स। ट्रू है या फॉल्स? मैम ट्रू। 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 सब लोग ट्रू लिख लो, सारे बच्चे ट्रू लिखेंगे। हो गया। नेक्स्ट देखो, बुंदेलखंड इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ओनली। क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में ही है? नहीं, फॉल। मैम फॉल लिखिए। हाँ फॉल लिख दीजिए। फॉल लिख लिया। Yes, ma'am. सेकेंड वाला फॉल्स है। थर्ड देखो, द कुदन स्थल इज लोकेटेड इन ओरछा। फॉल्स मैम। कहाँ पर है कुदन स्थल? मैम फॉल्स होगा। हाँ फॉल्स है, ठीक है। कहाँ पर है कुदन स्थल? बच्चों कूदन स्थल है झांसी में, झांसी की रानी कूदती है ना, मैम झांसी में। आप लोगों को कुछ याद याद नहीं रहता है ना, कुछ पढ़ते लिखते हो, घर में बैठ के बस टीवी देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, बातें कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। कोई भी बच्चा क्लास के बाद किताब लेके नहीं बैठता है, किसी को किसी कोई स्टोरी नहीं याद है ना कोई आंसर याद है। पूरी पूरी स्टोरी 10 बार पढ़ाए हैं, 10 बार रिवाइज कराए हैं, आप लोगों से रीड कराए हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ भी नहीं आता। नेक्स्ट देखो, अ लाइट एंड साउंड। अ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम इज हेल्ड एट द जहांगीर महल। सही है कि गलत है? मैम सही है। मैम गलत। सही गलत। मैम सही है। लाइट और साउंड प्रोग्राम जहांगीर महल में लगता है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम लगता है। नो मैम। अब किसकी बात माने? कौन कह रहा है नहीं लगता है? मैम ऋषि। कैसे कह रहे हो ऋषि नहीं लगता? लगा दो इस पे ट्रू।
ऋषि को कुछ भी याद नहीं है लग रहा है। हम मिल गया, मिल गया ना, मिल गया। अभी तक गलत बता रहे हो, मिल गया। अब आ जाओ फिफ्थ पर। खजुराहो इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सोसाइटी सॉरी साइट। ट्रू है कि फॉल्स है? मैम ट्रू है। ट्रू है, लगा दो ट्रू। मैम ट्रू है, मैम ट्रू है, लगा दो। पन्ना इज नोन फॉर इट्स रिवर्स। मैम मैम फॉल्स है। पन्ना को किस लिए जानते हैं नन्या? मैम डायमंड। हाँ, डायमंड के लिए, करेक्ट ऋषि। नेक्स्ट है, द महाराजा छत्रसाल म्यूजियम इज लोकेटेड इन दुबेला। यस मैम, मैम सही है, मैम फॉल्स है। हेलो, लगा दो। फॉल्स है, मैम फॉल्स है। लोकेटेड इन छत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्रपुर दुबेला इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेसेस। महाराजा छत्रसाल म्यूजियम सही है बेटा। फॉल्स कहाँ से कह रहे हो? मैम ट्रू है। हेलो, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय। बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम, बाय।